हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, कल हम आपको बता रहे थे संबंध के बारे में। आज का टॉपिक है आपका फंक्शन, जिसको क्या बोला जाता है, फलन। देखिए, इससे पहले मैंने आपको कल एक कार्तीय गुणनफल बताया था, उसमें एक एग्जांपल लिया था a बराबर था -1, 0 और 1, और इसमें एक बी सेट था दूसरा। तो क्या किया था मैंने, जब इनका कार्तीय गुणनफल किया था तो -1 और 0 के साथ तो प्रमेय युग्म ले लिया था, लेकिन इस एक को मैं बाय मिस्टेक से छोड़ गया था। मैंने इसको बोल तो दिया था, इसमें बी सेट कुछ इस प्रकार से था ए बी और सी। तो मैंने आपको ये तो बता दिया था -1, -1, B, -1, C। ये बी सेट था, तीन अवयवों वाला ही है। अब इसके स्थान पर दूसरा है, पता नहीं कौन सा था वो, -1, A, -1, B, -1, C, 0, A, 0, B और 0, C। तो इसको आपको एक के साथ ही लिखना है, A, A, B और A, C। मैंने आपको बोला तो था कि एक के साथ और लिखना है, और मैं उसको लिखना भूल गया था, तो इसको पूरा कर लेना। अब देखिए, आज का टॉपिक है आपका फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन होता क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। माना माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब एक नियम है, ए से बी में, तब एक नियम एफ ए से बी में फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध, यदि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अद्वितीय अवयव से हो। हमारा ए तथा बी दो क्या है, अरेख समुच्चय है, तब एक नियम है ए से बी में फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। तो सबसे इसमें तीन कंडीशन है। पहली बात तो ये है कि ए और बी कैसे होनी चाहिए, अरे पहली बात तो सबसे पहला काम क्या है, जो आपके समुच्चय है ए और बी वो कैसे होने चाहिए, अरे अर्थात रिक्त समुच्चय नहीं होने चाहिए। इसमें दूसरी कंडीशन है, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है प्रत्येक अवयव का संबंध अद्वितीय से होना चाहिए, अर्थात एक अवयव का संबंध सिर्फ एक ही अवयव से होना चाहिए, ये नहीं एक अवयव का दो से हो। देखिए, ए से बी में जो एफ नियम है फलन कहलाता है यदि, पहली बात तो क्या है, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, और दूसरी बात है कि बी के अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, आपका कोई समुच्चय है ए, इसके अवयव है 1, 2 और 3, चार छ और आठ दस,
ये आपका कोई फंक्शन है, आपको मैंने एग्जांपल लिखे हैं, आपको ये देखना है इनमें से जो एफ नियम है वो फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो है ए और बी क्या होनी चाहिए, एरेक्ट होनी चाहिए। तो ए में भी अवयव है और बी में भी अवयव है, तो पहली कंडीशन तो लागू हो रही है। दूसरा देखिए, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। देखिए इसमें एक का संबंध चार से है, दो का संबंध छह से है, लेकिन तीन का संबंध नहीं है, इसलिए दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए जो एफ नियम है वो ए से बी में फंक्शन नहीं होगा। इसको देखिए, ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें दो का जो संबंध है वो छह से भी है और आठ से भी है, अर्थात एक अवयव का संबंध एक से ज्यादा आ रहा है। दो का छह से भी संबंध है और दो का आठ से भी है, तो इसलिए ये भी फलन नहीं है, क्योंकि ये तीसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इधर देखिए, इसमें एक का संबंध चार से है, दो का संबंध छह से है और तीन का संबंध आठ से है, तो ए और बी दोनों अरिक्त हैं। ए के प्रत्येक अवयव का संबंध है और अद्वितीय से है, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। इसको देखिए, एक का संबंध चार से है, दो का संबंध भी चार से है और तीन का संबंध पांच से है। पहली बात तो ए और बी अरिक्त हैं, प्रत्येक अवयव का संबंध है और प्रत्येक अंक का संबंध सिर्फ चार से ही है, दो का संबंध भी सिर्फ चार से ही है और तीन का संबंध पांच से है। तो देखिए, एक अवयव फलन के लिए एक अवयव का संबंध दो से नहीं होगा, लेकिन दो अवयवों का संबंध एक से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो अवयवों का संबंध एक से हुआ तब कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि एक अवयव का संबंध दो अवयवों से हुआ तो ये तीसरी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, वो फलन नहीं होता है। तो याद रखेंगे, यदि एक का संबंध दो से है तो वो फलन नहीं होगा, और यदि दो का एक से है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या है, फलन होगा। तो माना ए तथा बी दो एरिक समुच्चय हैं, माना ए तथा बी दो एरिक समुच्चय हैं, तब एक नियम एफ ए से बी में क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। यदि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध क्या होना चाहिए, बी के अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। यदि एफ ए फलन क्या है, ए से बी में, यदि एफ ए से बी में फलन हो तो इसे एफ सच दैट ए से बी, इसको क्या लिखते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, इसे एफ सच दैट ए टू बी से व्यक्त करते हैं। यदि जो एफ नियम है वो ए से बी में क्या है, फलन है, तो इसे एफ सच दैट ए से बी से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अगला टॉपिक है इसमें,
सह प्रांत और परिसर। हलन का प्रांत, सह प्रांत और परिसर, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन इसको बोलते हो कोडोमेन, और इसको बोलते हो रेंज। हलन का प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होता है? माना एस एज दैट ए से बी में एक फलन परिभाषित है, परिभाषित है। माना एफ एज दैट ए से बी में एक फलन परिभाषित है, तो समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए के अवयव चाहे से लिख लीजिए, तो समुच्चय ए फलन का प्रांत तथा समुच्चय बी, तथा समुच्चय बी फलन का सह प्रांत कहलाता है। यदि एफ ए सी बी में क्या है? एक फलन है, तो ए क्या कहलाता है? फलन का प्रांत, और बी क्या कहलाता है? फलन का सह प्रांत। अब बात करते हैं फलन का परिसर। फलन का परिसर देखिए, इसमें आपने देखा था ये क्या है? एक फलन है। क्या है? फलन है। इसमें एक का संबंध किससे है? चार से, और दो का संबंध भी किससे है? चार से। एक का संबंध भी चार से है और दो का संबंध भी चार से है। तीन का संबंध किससे है? पांच से है। तो ये एफ है ए से बी में क्या है? एक फलन है। तो जो ए के अवयव है अर्थात एक दो तीन, इस फलन का क्या है? प्रांत। और जो बी के अवयव है वो क्या है? फलन का सह प्रांत, चार पांच और छह। अब देखिए, इसमें एक का संबंध चार से है, इसका मतलब है जो एक का जो प्रतिबिंब है वो क्या है? चार। और दो का संबंध भी चार है, इसका मतलब क्या है? दो का जो प्रतिबिंब है वो भी क्या है? चार। और तीन है, तीन का संबंध पांच से है, इसका मतलब क्या है? तीन का जो प्रतिबिंब है वो किस पे है? पांच पे। किस नियम के अकॉर्डिंग? एफ के अकॉर्डिंग। क्लियर है? यदि एफ में एक्स का संबंध किससे हो? वाई से हो। यदि आपका कोई फलन एफ है उसमें एक्स का संबंध किससे है? वाई से, तो आप इसको लिखते हो एफ ओ एक्स बराबर वाई। देखिए आपका एक समुच ए है जिसका अवयव क्या है? एक्स। इसमें एक फलन परिभाषित है इसका ए से बी में। यदि एक्स का संबंध वाई से है तो आप लिखते हो उसको एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। एक्स का जो प्रतिबिंब है वो क्या कहलाता है? वाई। यदि एक्स का संबंध वाई से है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स का प्रतिबिंब वाई, और इसको लिखते हो एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। और यदि वाई का जो पूर्व, इसको बोलते हो बाई, एक्स है, एक्स बाई का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए एक्स तो क्या कहलाता है? पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्री इमेज। और जो बाई है वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। एक्स बाई का पूर्व प्रतिबिंब तथा बाई एक्स का प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए फलन का परिसर,
such that AC B में फलन परिभाषित है तो A के सभी अवयवों के प्रतिबिंबों से बनने वाला समुच्चय A के सभी अवयवों से अवयवों के प्रतिबिंबों से बनने वाला समुच्चय F का परिसर कहलाता है। इसकी आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हो, अवयव एफ के परिसर के अवयव होते हैं जो ए में अपना पूर्व प्रतिबंब रखते हैं। देखिए, यदि फलन F A से B में क्या है, परिभाषित है, तो A के सभी अवयवों के प्रतिबिंबों से बनने वाला जो समुच्चय है, ये प्रतिबिंबों से बनने वाला जो समुच्चय है वो फलन का परिसर कहलाता है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, बी के वो अवयव, बी के वो अवयव जो ए में क्या रखते हैं, अपना पूर्व प्रतिबिंब रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक दो तीन, ये समुच्चय आपका ए है, चार पांच छह और सात। देखिए, मान लीजिए आपका जो फलन एफ है वो ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है। एक का जो संबंध है वो किससे है, चार से, दो का संबंध किससे है, पांच से, और तीन का संबंध क्या है, किससे है, छह से। तो देखिए, जो ए के अवयव है वो प्रतिबिंब कहला, जो ए के अवयव है वो पूर्व प्रतिबिंब होते हैं, और जो बी के अवयव है वो क्या होते हैं, ए के अवयवों का प्रतिबिंब होते हैं। अब देखिए, इसमें एक है वो चार का पूर्व प्रतिबिंब तथा चार एक का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए, इसमें एफ ऑफ एक का मान क्या है, चार। एफ ऑफ एक का मान चार, एफ ऑफ दो का मान पांच, और एफ ऑफ तीन का मान क्या है इसमें, छह। इसका मतलब क्या है, एक का संबंध चार से है, दो का संबंध पांच से है, और तीन का संबंध छह से है। अब देखिए, अब मेरे को इस फलन का प्रांत, सह प्रांत और परिसर निकालना है। तो बताइए, फलन कहां से कहां परिभाषित है, ए से बी में। तो मैंने आपको बताया था ए के अवयव क्या कहलाते हैं, फलन के प्रांत। तो आपका प्रांत हो जाएगा एक दो और तीन, और आपका सह प्रांत हो जाएगा बी के अवयव अर्थात चार पांच छह और सात। यदि फलन एफ, देखिए, यदि फलन एफ ए से बी में क्या है, एक फलन है, तो ए क्या कहलाता है, फलन का प्रांत, और बी क्या कहलाता है, फलन का सह प्रांत। अर्थात जो पहले समुच्चय है ये फलन का प्रांत हो जाएगा, और ये पूरा समुच्चय सह प्रांत हो जाएगा। अब बात करते हैं परिसर की।
इस फलन का परिसर क्या होगा? देखिए ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंबों से बनने वाला समुच्चय। ए के अवयव कौन से बताइए? एक, दो और तीन। इसके प्रतिबिंब क्या है? एक का प्रतिबिंब चार है, दो का प्रतिबिंब पांच है और तीन का प्रतिबिंब छह है। तो बताइए सहप्रांत के अवयव कौन से हो गए? चार, पांच और छह। या फिर आप दूसरी परिभाषा से देखिए, बी के बे सभी अवयव, यदि एफ कहां से कहां परिभाषित है? ए से बी में। तो बी के बे सभी अवयव जो एफ के परिसर के लिए क्या है? बी के बे सभी अवयव एफ के परिसर के अवयव होते हैं जो ए में क्या रखते हैं? अपना पूर्व प्रतिबिंब रखते हैं। अर्थात बी के बे अवयव जो ए में क्या रखते हैं? अपना पूर्व प्रतिबिंब। तो देखिए चार अपना पूर्व प्रतिबिंब रख रहा है, कितना? एक। पांच का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? दो। छह का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? तीन। लेकिन सात का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो परिसर में ये अवयव नहीं आएगा। तो देखिए आपका परिसर हो जाएगा बराबर चार, पांच और छह। सात नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। क्लियर है? अब देखिए आप देख रहे हो कि जो परिसर का अवयव है वो किसमें से लिया जाता है? बी में से। तो नोट में लिखेंगे परिसर इज सबसेट ऑफ सहप्रांत। इसका मतलब क्या है? परिसर का प्रत्येक अवयव किसमें होता है? सहप्रांत में। क्योंकि जो परिसर में अवयव आते हैं वो कहां से आते हैं? सहप्रांत में से ही आते हैं। देखिए चार इसमें भी है, पांच इसमें भी है, छह इसमें भी है। अर्थात परिसर का प्रत्येक अवयव किसमें होता है? सहप्रांत में। क्लियर है? तो आप इस प्रकार से किसी फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकाल सकते हैं। अब देखिए आप पहले पढ़ चुके हो दो विशेष फलन, अचर फलन। अब बात करते हैं अचर फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन क्या होता है? एक फलन f such that a to b, एक फलन f such that a to b अचर फलन कहलाता है। अचर फलन कहलाता है यदि f of x बराबर c, फोर ऑल x belongs to a। आप x का a का कोई भी अवयव लीजिए, उसकी जो प्रतिबिंब है वो किस पर जाना चाहिए? कांस्टेंट नंबर पर, जहां c क्या है? अचर संख्या। क्या है? अचर। क्लियर है? आप कोई भी x लीजिए a से, जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपको एग्जांपल देखिए इसका, आपको a दिया है a बराबर एक, दो और तीन, और आपको b दिया है, इसको और ले लीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, चार और छह। तो इसे फलन डिफाइन कर रहा हूं f such that a to b बराबर f of x बराबर दो। तो देखिए इसमें f of a का मान कितना आएगा? दो ही आएगा। f of दो का मान भी कितना आएगा? दो। f of तीन का मान भी दो। f of पांच का मान भी दो। अर्थात आप f के प्रांत का कोई भी अवयव लीजिए, वो सिर्फ किस पर जाना चाहिए? कॉन्स्टेंट नंबर पर जाना चाहिए।
आप ए का कोई भी मान लीजिए, वो कहां पर प्रतिबिंबित होगा? एक अचर संख्या पर प्रतिबिंबित होता है। क्लियर है? तो ए इसका प्रांत हो गया, बी इसका सहप्रांत, और परिसर में कितना अवयव आएगा? सिर्फ एक आएगा। कौन सा? ओनली सी। ये उसका क्या हो जाएगा? परिसर। क्योंकि इसमें सिर्फ सभी अवयवों का जो संबंध है वो किससे होगा? इस सी से होगा। ए के जितने भी अवयव हैं उनका संबंध सिर्फ किससे होगा? इस सी से। अर्थात अचर फलन के परिसर में कितने अवयव होते हैं? एक होता है। इसके बाद देखिए तत्समक फलन। तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन। एक फलन, एक फलन f, एक फलन f a से b में, एक फलन f a से b में तत्समक, तत्समक फलन कहलाता है। यदि f of x बराबर x, for all x belongs to a। देखिए एक फलन f a से b में क्या कहलाता है? तत्समक फलन कहलाता है। यदि f of x बराबर x, अर्थात प्रत्येक x की जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा? x ही होगा। f of a की वैल्यू भी एक होगी, और जो आप x का मान ले रहे हो वही क्या होना चाहिए? उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। तब आप क्या बोलते हो f को a से b में क्या बोलते? देखिए फलन तत्समक फलन है वो उसी सेट से उसी सेट में परिभाषित होता है। एक फलन f a से a में तत्समक फलन कहलाता है यदि f of x बराबर x। आप x a में से कोई भी x लीजिए, उसके f x का मान क्या होना चाहिए? x ही होना चाहिए। तो देखिए इसका प्रांत भी क्या हो गया? a, सहप्रांत भी a और परिसर भी a। क्लियर है? एग्जांपल देखिए इसका। एक दो तीन, एक दो और तीन, एक की इमेज एक पर है, दो की दो पर है, तीन की तीन पर है। अर्थात इसमें क्या होता है? उसी अवयव का जो प्रतिबिंब है वो खुद स्वयं होता है। एक्स का प्रतिबिंब क्या होता है? एक्स ही होता है। अर्थात एक का प्रतिबिंब एक, दो का प्रतिबिंब दो, तीन का प्रतिबिंब तीन। तब इस प्रकार का जो फलन है वो क्या कहलाता है? तत्समक फलन कहलाता है, जिसमें प्रत्येक अवयव की जो प्रतिबिंब है वो खुद ही होता है। प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है? खुद ही होता है। क्या कहलाता है? तत्समक फलन कहलाता है। तो एक फलन f a से a में तत्समक फलन कहलाता है यदि f of x बराबर x। आप इसके प्रांत में से कोई भी अवयव लीजिए तो उसका मान कितना होगा? वो स्वयं ही होता है। और यदि a से a में तत्समक फलन को आप व्यक्त करते हो i of a से, किससे व्यक्त करते हो? i of a से। a से a में जो तत्समक फलन है वो क्या होता है? i of a। i of a का मतलब क्या है? a से a में तत्समक फलन, तत्समक फलन। इसका मतलब क्या हुआ? i of a में कोई भी x लीजिए, i of a के अकॉर्डिंग x की जो इमेज है वो कहां जाएगी? x पे ही जाएगी। तत्समक फलन होता है वो x को कहां पे प्रतिबिंबित करता है? x पे ही। अर्थात तत्समक फलन के अंतर्गत x का जो प्रतिबिंब होता है x ही होता है। तब इसको क्या बोलते हो आप? तत्समक फलन कहते हैं। तो एक फलन f a से a में तत्समक फलन कहलाता है यदि f of x बराबर x। आप x में से, आप कोई भी x लीजिए, किसमें से? इसके प्रांत a में से। तो f of x का मान कितना रहेगा? x ही रहेगा। अब डालिए फलनों के प्रकार।
है आपका फलनों के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे आप एक है कि फलन, एक है कि फलन, एक फलन एच दैट ए सी बी, एक फलन ए सी बी में, एक फलन एच दैट ए टू बी में परिभाषित, एक है कि फलन कहलाता है, एक है कि फलन कहलाता है यदि एफ के प्रांत ए के किन्हीं दो, एफ के प्रांत ए के किन्हीं दो एफ के प्रांत के कोई भी दो, यदि एफ के प्रांत ए के कोई भी दो अवयवों का एक एक किन्हीं भी दो अवयवों का प्रतिबिंब समान नहीं होना चाहिए। देखिए यदि एक एक कोई भी दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही नहीं है, एक ऐसा फलन यदि इसके कोई भी दो अवयव ऐसे ना हो जिनका प्रतिबिंब क्या हो समान हो, तो आप इस फलन को क्या बोलते हो, एक एक ही फलन बोलते हो। अब इस बात को गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू होगा यदि x1 बराबर x2, जहां पर आपके x1 और x2 कहां से ले जाएंगे, a में से, f के प्रांत में से। आप कोई भी x1 x2 लीजिए, यदि fx1 बराबर fx2 है तो क्या होना चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए। आपको जब क्वेश्चन चेक करना है तो आप इस परिभाषा का यूज करेंगे, fx1 का मान किसके बराबर होगा, fx2 के, यदि x1 बराबर x2 है तो आप क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे, और यदि आप प्रूव कर देते हो x1 का मान किसके है, x2 के, तो आप बोल सकते हो f जो फलन है वो a से b में क्या है, एक एक ही है। जब आपको एक एक ही फलन प्रूव करना हो तो आप क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 मान के चलेंगे, और आप क्या प्रूव करेंगे, x1 बराबर x2, तो आप कह सकते हो कि ये फलन क्या है, एक एक ही। आप इसकी तीसरी परिभाषा देखिए, यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यदि x1 और x2 समान नहीं है तो fx1 और fx2 भी समान नहीं होना चाहिए। यदि x1 और x2 समान नहीं है तो क्या है, fx1 और fx2 भी समान नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तब आप यहां पर x1 और x2 किसमें से ले जाएंगे, f के प्रांत a में से। आप कोई भी x1 x2 लीजिए f के प्रांत में से, और यदि x1 और x2 समान नहीं है तो आप क्या होना चाहिए, fx1 और fx2 भी समान नहीं होने चाहिए, तब आप इस फलन को भी क्या बोलते हो, एक एक ही। तो आप इस परिभाषा का यूज करते हुए बता सकते हो कि फलन एक एक ही है या नहीं। तो दोबारा से देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपको प्रांत के अंदर कोई भी दो अवयव ऐसे नहीं मिलने चाहिए जिनका संबंध एक ही अवयव से हो,
देखिए आपको कोई भी दो अवयव ऐसे नहीं मिलने चाहिए कोई भी प्रांत के अंदर। देखिए यदि आपको कोई फलन है ये इसका प्रांत है ये इसका सह प्रांत है, तो प्रांत के अंदर आपको कोई भी दो अवयव ऐसे नहीं मिलने चाहिए जिनका संबंध एक से ही हो। अगर आपको ये मिल गया तो आप इसको एकांगी नहीं बोलते हो। यदि दो अवयव ऐसे विद्यमान है जिनका संबंध एक ही अवयव से है तो फलन एकांगी नहीं होगा। क्लियर है? इसमें दूसरा एग्जाम परिभाषावली की एक बार, बहु एक ही फलन। एक फलन एफ सच दैट ए से बी में, एक फलन एफ ए से बी में माना फलन एफ ए से बी में परिभाषित है। परिभाषित है माना फलन एफ ए से बी में परिभाषित है तो बहु एक है कि कहलाता है यदि माना फलन f a से b में परिभाषित है तो f बहु एक है कि कहलाता है यदि f के प्रांत में दो अवयव दो असमान अवयव ऐसे प्रांत में दो असमान अवयवों का प्रतिबिंब समान हो अर्थात x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेकिन f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। देखिए आपको x1 और x2 दो असमान अवयव इस प्रकार मिले कि x1 और x2 तो समान नहीं है लेकिन इनका जो प्रतिबिंब है वो समान है तो आप f को क्या बोलते हो? बहु एकांगी बोलते हो। अर्थात आपको एक ही प्रांत के अंदर दो अवयव ऐसे मिलेंगे जिनका संबंध एक ही अवयव से होगा। यदि किन्हीं दो अवयवों का संबंध एक से ही है तो आप उसको बोलते हैं बहु एकांगी फलन। तो देखिए आप एक है कि प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू आप मान के चलेंगे और आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा एक्स वन बराबर एक्स टू। तो आप बोल सकते हो एक फलन क्या है एक है कि इसको आप दूसरी तरीके से प्रूव कर सकते हो यदि एक्स वन का मान एक्स टू के बराबर नहीं है तो एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू के बराबर नहीं होना चाहिए। जो फलन एक है कि है वो बहु एक ही नहीं होगा और जो बहु एक की है वो एक एक की नहीं होगा। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी ले सकते हो इसकी दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे ऐसा फलन जो एक एक की नहीं है वो क्या कहलाता है बहु एक की। इसकी दूसरी परिभाषा लिखिए वह फलन जो एक है कि नहीं है वह फलन जो एक है कि नहीं है बहु एक है कि फलन कहलाता है। जो फलन कैसा नहीं है एक है कि नहीं है वो क्या कहलाता है बहु एक है कि कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको बताया है आप पहले पढ़ रहे थे एक है कि फलन एक है कि फलन एक है कि फलन होता है आप f को एक है कि फलन बोलते हैं यदि
आप एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू मान के चलते हैं और आप क्या प्रूव करते हैं, एक्स वन बराबर एक्स टू। यदि आप इसको लेके चले और ये प्रूव कर दें तो आप बोल सकते हो एफ क्या है, एक है की, और फलन एक है की नहीं है तो आप इसको क्या बोलते हो, बहु एक है की। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, आपको दिया है एस एज दैट एन से एन और एफ एक्स बराबर टू एक्स। अब आपको ये चेक करना है कि फलन एक है की है या नहीं, तो आप सबसे पहले क्या मानेंगे, माना एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, और आप क्या प्रूव करेंगे, एक्स वन बराबर एक्स टू आपको दिखाना पड़ेगा। आप इसको मान के चलेंगे एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, तो बताइए एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पर क्या रखना होगा आपको, एक्स वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स वन बराबर, इसका मान क्या हो जाएगा टू एक्स टू, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। तो आप एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान के चले हो और आपने क्या प्रूव कर दिया है, एक्स वन बराबर एक्स टू, तो फलन कैसा है, ये एक है। जब आपको फलन चेक करना हो कि एक है कि है या नहीं, तो आप क्या मान के चलेंगे, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, और आप बराबर प्रूव करोगे एक्स वन बराबर एक्स टू। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखा है एफ ऑफ, फलन दे रखा है जेड से जेड में, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए एफ ऑफ एक का संबंध किससे है, एक से, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक, और एफ ऑफ माइनस एक का संबंध भी किससे है, एक से, अर्थात एक और माइनस एक दोनों का संबंध किससे है, एक से है, तो फलन कैसा है बताइए, बहु एक है की। कैसा है ये, बहु एक है की। आपको दो ऐसे मान अवयव मिल गए जिनका प्रतिबिंब एक ही अवयव से है, तो आप क्या बोल सकते हो उसको, बहु एक है की। क्लियर है? तो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि फलन एक है की है या नहीं। यदि फलन एक है की नहीं है तो क्या होगा, बहु एक है की, और बहु एक है की नहीं है तो वो कैसा होगा, एक है की। क्लियर है? तो अगला प्रकार देखिए, आच्छादक फलन। अगला देखिए इसमें आच्छादक फलन, आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन, एक फलन ए से बी में, ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित फलन एफ आच्छादक फलन कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी के प्रत्येक, यदि बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए में कम से कम, समुच्चय में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, ए से बी में परिभाषित फलन एफ आच्छादक फलन कहलाता है यदि आप बी का कोई भी अवयव लीजिए, उसको आप में, उसको आप बी का कोई भी अवयव लीजिए, उसको आपका ए में कोई ना कोई ऐसा अवयव मिलेगा जिसमें बी का क्या है, पूर्ण प्रतिबिंब होगा। देखिए ए से बी में परिभाषित फलन एफ
आच्छादक परम कहलाता है। यदि आप बी का कोई भी अवयव लीजिए उसका ए के अंदर कम से कम एक पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान होता है। क्लियर है? इसको आप गणितीय रूप में कैसे लिखोगे? प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू बी, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू बी, आप बी का कोई भी अवयव लीजिए, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू बी, चाहे इसको आप बाई मान लीजिए, प्रत्येक बाई बिलोंग्स टू बी के लिए कम से कम एक अवयव एक्स बिलोंग्स टू ए इस प्रकार विद्यमान होगा कि प्रत्येक बाई बिलोंग्स टू बी के लिए कम से कम एक अवयव एक्स बिलोंग्स टू ए इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। आप वाई के कोई भी अवयव लीजिए बी का, उसके संगत आपको क्या मिलेगा? एक्स। इसमें इसके प्रांत में आप सह प्रांत का कोई भी अवयव लीजिए तो उसके संगत आपको प्रांत में क्या मिल जाएगा? उसका पूर्व प्रतिबिंब। अर्थात एक्स इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। तो देखिए यदि आपको एफ ए से बी में क्या बताना है? आच्छादक गुण बताना है। तो आप कोई भी अवयव लेंगे बी से, अर्थात उसके सह प्रांत से आप कोई स्वच्छ अवयव लेंगे तो आपको एक अवयव एक्स इस प्रकार मिलना चाहिए ए के अंदर, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आना चाहिए? वाई। तब आप इसको बोल सकते हो, क्या परम बोल सकते हो? आच्छादक। अब देखिए इसमें इसकी तीसरी परिभाषा आप क्या लिख सकते हो? यह कह रहा है कि कोई भी बी लीजिए उसका आपका पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा। अर्थात जो सहप्रांत के अवयव है उसका क्या है? प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो ये सभी अवयव किसके बन जाएंगे? परिसर के। अर्थात सहप्रांत और परिसर बराबर हो। तीसरी परिभाषा है एक फलन है, फलन है, फलन है आच्छादक फलन कहलाता है। फलन है आच्छादक फलन कहलाता है यदि सहप्रांत बराबर परिसर। देखिए यदि किसी फलन का जो सहप्रांत और परिसर क्या है? बराबर है, तो फलन क्या कहलाता है? आच्छादक फलन कहलाता है। तो आप तीनों परिभाषाओं में से किसी भी परिभाषा का यूज करते हुए इस फलन को क्या प्रूव कर सकते हो? आच्छादक। इसमें आप एक परिभाषा और पढ़िए, अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन इनटू फंक्शन, जो फलन आच्छादक नहीं है ऐसा फलन, ऐसा फलन जो आच्छादक नहीं है, ऐसा फलन जो आच्छादक नहीं है उसे अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। आप इसको ले सकते हो सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, ऐसा फलन जो आच्छादक नहीं है उसे क्या बोलते हो? अंतरक्षेपी फलन। अर्थात सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है तो फलन क्या कहलाएगा? अंतरक्षेपी फलन। ऐसा फलन उसका सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है क्या कहलाता है? अंतरक्षेपी फलन।
यदि सहप्रांत और परिसर दोनों बराबर है तो आप उसको बोलते हो आच्छादक फलन, और सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है तो आप उसको बोलते हो अंतरचेपी फलन। आप इसको परिभाषा लिखिए, इस परिभाषा को इसमें कैसे लिखेंगे, आपको कोई ना कोई अवयव वाई बिलोंग्स टू बी इस प्रकार मिलेगा कि आपको इसमें एक्स में कोई भी पूर्व प्रत्यय में विद्यमान नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक फलन f अंतरचेपी फलन कहलाता है यदि इसके प्रांत में इसके सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, इसके सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका a के अंदर अर्थात उसके प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो। इसकी तीसरी परिभाषा कैसे लिखेंगे, फलन के सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। देखिए, सहप्रांत के अंदर कोई ऐसा अवयव है जिसका उसके प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तब भी इस फलन को आप क्या बोलते हो, अंतरचेपी। तो ये तीनों परिभाषा एक ही बात को बताती हैं, यदि सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है तो फलन अंतरचेपी कहलाता है, और सहप्रांत और परिसर बराबर है तो फलन क्या कहलाता है, आच्छादक कहलाता है। यदि आप फलन का सहप्रांत और परिसर निकाल सकते हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये फलन आच्छादक है या नहीं, अंतरचेपी है या नहीं। तो आपने पढ़ा है जो फलन एक है कि नहीं है वो क्या होगा, बहुएकी, और जो आच्छादक नहीं है वो क्या होगा, अंतरचेपी। क्लियर है? और इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें आप रखा है समुच्चय, रखा है एक दो और तीन, ये आपका समुच्चय ए है या आपका समुच्चय बी है, एफ है वो कहां से कहां है, ए से बी में परिभाषित है, माइनस एक दो और चार छह। तो देखिए, एक का संबंध माइनस एक से है, दो का संबंध दो से है, और तीन का संबंध चार से है। अब हमको ये चेक करना है कि ये फलन आच्छादक है या अंतरचेपी। मैंने आपको बताया था यदि सहप्रांत के अंदर कोई भी ऐसा अवयव है, यदि सहप्रांत के अंदर ऐसा कोई भी अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे आप, अंतरचेपी फलन बोलते हो। तो देखिए, इसमें आपको छह अवयव ऐसा है जिसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो ये फलन कैसा होगा बताइए, अंतरचेपी। कैसा फलन है ये, अंतरचेपी। इसका सहप्रांत बताइए क्या है, एक दो और छह, माइनस एक दो चार और छह, जबकि इसका परिसर क्या है, माइनस एक दो और चार, तो सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है तो क्या फलन है ये, अंतरचेपी फलन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक दो तीन चार पांच और छह, एक का संबंध चार से है, दो का संबंध पांच से है, और तीन का संबंध छह से है। तो आप इसमें देखिए, इसके सहप्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। चार का पूर्व प्रतिबिंब एक है, पांच का पूर्व प्रतिबिंब दो है, छह का पूर्व प्रतिबिंब तीन है, अर्थात सहप्रांत के अंदर ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो आप उसको बोलते हो आच्छादक फलन। ये क्या हो गया, आच्छादक फलन, अर्थात इसका सहप्रांत और परिसर क्या है, बराबर चार पांच छह। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि ये फलन एक है कि बहुएक है, कि आच्छादक और अंतरचेपी है या नहीं।
ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू सभी को। कल आपको मैं कल की वीडियो में आपको स्टार्ट करेंगे आपका अध्याय फर्स्ट, कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन।